हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। मैं आकाश माधवन। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं दिल्ली में लगे हुए ट्रेड फेयर में। तो जर्नी को स्टार्ट करते हैं, वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। मैं अभी निकल चुका हूँ ट्रेड फेयर की तरफ, और जो कि दिल्ली में लगा हुआ है ITO में। और जस्ट अभी यहाँ पर मेट्रो में पार्क करने के बाद हम मेट्रो से ट्रैवल करेंगे, दिल्ली मेट्रो से जाएंगे। और जो नियरेस्ट मेट्रो है ट्रेड फेयर का, वो है सुप्रीम कोर्ट, जो कि उसका नाम जो था पहले वो प्रगति मैदान था। तो हम मेट्रो में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ से ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, मैक्सिमम 10 मिनट लगेगा हमें सुप्रीम कोर्ट पहुँचने में। और जैसे जैसे हम जा रहे हैं आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है प्लेटफॉर्म पर। मेरे हिसाब से सभी लोग ट्रेड फेयर ही जा रहे हैं, क्योंकि और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और ये अब हमारी मेट्रो बस आने वाली है। मेट्रो में एंट्री करने के बाद हमने सबसे पहले हमने टिकट का इंतज़ाम किया, और टिकट का जो प्राइस है वो 150 है वीकेंड पे एडल्ट्स का, बाकी जो है 80 रुपीज़ है बाकी दिनों के लिए। और एग्जिट होना है हमें 2 नंबर गेट से, मैं 2 नंबर गेट से एग्जिट हो चुका हूँ। जैसे आप एंट्री प्रगति मैदान के गेट नंबर 10 है, यहाँ से एंट्री करते ही हमें सीधा हॉल नंबर 12 मिलेगा। और ये पूरा मैप है यहाँ पे किस तरीके से कहाँ हॉल वगैरह हैं। तो अभी जस्ट हम एंटर कर चुके हैं, देख सकते हैं कितनी भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और सिक्योरिटी पर्पज़ से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे फैसिलिटी है, और चेकिंग वगैरह काफ़ी अच्छा है, और फैसिलिटीज़ वगैरह भी है, पानी पीने की भी व्यवस्था है हर जगह। और अब हम स्टार्टिंग में ही आपको, जब आप जाएंगे तो हॉल नंबर 12 से आप एंट्री करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप पूरा एरिया एक्सप्लोर करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए कितना अच्छे तरीके से इन्होंने डेवलप कर रखा है, अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा है। नए नए जो शॉप्स वगैरह हैं इस पर, जो अलग ही दिखा मुझे और काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने जो अपना पवेलियन बना रखा था काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे खाने वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी पवेलियन नंबर 11 में, और काफ़ी डेयरी प्रोडक्ट वगैरह थे, काफ़ी अच्छा लगा। और कुछ प्रोडक्ट थे जो मैंने भी ख़रीदा, डेयरी प्रोडक्ट खाया मैंने, दही जो थी, रबड़ी थी, वो भी मैंने यहाँ का टेस्ट लिया, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और प्राइस जो था इसमें थोड़ा सा हाई था, और यहाँ पे मैंने एक लस्सी पी, वो काफ़ी यूनिक थी, काफ़ी अच्छा लगा मुझे उसे पीने के बाद। यहाँ से निकलते ही मैंने सबसे पहले नुक्कड़ नाटक देखा। और तो और, हमारी माताओं बहनों के लिए सुनबॉक्स सैनिटरी पैड भी मिलते हैं। बिल्कुल, अरे मतलब आप जानती हैं। अरे हाँ, मैं अभी अभी 1 रुपए में सैनिटरी पैड लेकर के आई हूँ। आप लेकर भी आ गई? अरे हाँ, आई रह गई। आपको नहीं पता? कर्नाटक देखने के बाद अब हम आ चुके हैं ये प्रगति मैदान का, जो नया स्ट्रक्चर अभी डेवलप हुआ है उसके अंदर। और इसमें हॉल नंबर 543 तक है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एंट्री होते ही ऐसा यूनिक लग रहा है जैसे किसी आप बड़े बिल्डिंग में, जो 5-स्टार होटल वगैरह हो उसमें आप एंट्री कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। आप देख सकते हैं चारों तरफ किस तरीके से इसकी फॉल सीलिंग है, डिजाइन है, आप देख सकते हैं वॉल्स की लाइटिंग कितना अच्छा तरीके से कर रखा है, काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन भैया जो लोग ऋण लेकर के समय से अदायगी नहीं करते हैं,
जो लोग ऋण लेकर के समय अदायगी नहीं करते हैं वह लोग कमजोर रह जाते हैं और वही कमजोरी उनके मेन असफलता का कारण बनती है। इसलिए कभी ऋण ले समय से जमा करें, आप समय से जमा करेंगे बैंक में आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा और बैंक आपको आज 1 लाख दिया तो कल 2 लाख देगा, 2 लाख वापस करोगे तो 4 लाख देगा। लेकिन अगर बैंक का पैसा लेकर आपने उसका वापस नहीं किया है तो आप समझ लीजिए आपको भगवान भी आगे बढ़ा नहीं सकता है। तो इसलिए हम लोग बिल्डिंग में फ्रेंड्स जितने भी गवर्नमेंट्स के विभाग वगैरह है, डिपार्टमेंट्स जिसे हम कहते हैं, उसके सभी के नुक्कड़ नाटक के थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे थे। काफ़ी अच्छा लगा हमें और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज से ग्रेन हुई। और ये सामने अयोध्या का नया जो रेलवे स्टेशन बन रहा है काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के, इसकी भी एक झांकी थी इंडियन रेलवे की, खूब अच्छा लगा। फ्रेंड्स इस जितने भी ये जो नए स्ट्रक्चर अभी डेवलप हुए हैं इसमें सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पवेलियंस हैं और जितने भी लगभग स्टेट्स हैं उनके पवेलियन हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी अच्छे डिजाइन से बनाया गया है जैसे कि आपने वीडियो में देखा। और जो यहाँ की एंट्री है पवेलियन की ग्रैंड एंट्री, आप देख सकते हैं कितना फॉल सीलिंग वगैरह और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर डेवलप किया गया है काफ़ी नेवली कंस्ट्रक्टेड है और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छी है। स्टार्टिंग में असम स्टेट का पब्लिक है। फ्रेंड्स जो टॉप से व्यू आ रहा है प्रगति मैदान का आप देख सकते हैं कितना शानदार व्यू है, एकदम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ये लोगों को। और जो नई लिफ्ट लगी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मैं लिफ्ट के थ्रू आपको दिखाऊंगा कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ आप देख सकते हो चारों तरफ, कितना ज़्यादा रश है एकदम, लोगों का काफ़ी ज़्यादा जमावड़ा है। और काफ़ी अच्छा लगा है क्योंकि पिछले साल इतना नहीं हो पाया था, लगा नहीं था ट्रेड फेयर, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इस पर भीड़ भी दिखाई दे रही है लोगों को। लोगों में काफ़ी ज़्यादा जागरूकता अभियान भी चलाया गया इस ट्रेड फेयर के थ्रू, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप भी आते हैं तो ध्यान रखिएगा 27 नवंबर तक यहाँ पे
ओनली एंट्री है, उसके बाद ट्रेड फेयर क्लोज हो जाएगा। और टिकट का ज़रा ध्यान रखिएगा क्योंकि टिकट का काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। ऑनलाइन पेटीएम के थ्रू या ऑफलाइन मेट्रोस पे आप चेक कर सकते हैं टिकट, वहाँ से अवेलेबल है। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एक बार ज़रूर आइएगा ट्रेड फेयर। इस ट्रेड फेयर में मैंने पहली बार टेलीस्कोप का यूज करा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसमें जो दूरी थी वो काफ़ी एकदम क्लियर दिखाई दे रही थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये मैं कभी भूल नहीं सकता इसका। खुशहाली सबके चेहरे पे दर्द हुआ अब दूर, सस्ता सुलभ इलाज हुआ ना रहा कोई मजबूर। अब मैं यहाँ से एग्जिट हो रहा हूँ। ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और नुक्कड़ नाटक देखने में काफ़ी अपने आप को एंटरटेन कर पाया। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।